आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, इसके अंदर हम कितना जानकारी भर सकते हैं, इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? और ये जो हमारा आँख, जिसकी कारण हम देख पाते हैं, अगर इसे किसी मॉडर्न कैमरे से कंपेयर करें तो इसका मेगापिक्सल कितना होगा? और इस एपिसोड में ऐसे ही कुछ अननोन फैक्ट की बारिश होने वाला है, जिसे देख कर आपके मुँह से एक ही आवाज़ निकलेगा, गजब। और वीडियो की अंत में एक बोनस फैक्ट जो सिर्फ आपके लिए। नंबर वन, क्या आपको पता है कि हम जब आंखों से जिस किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसे हम असल में उल्टे फॉर्म में देखते हैं? मतलब हमारा आँख में जो लाइट एंटर होती है, तब वो रेटिना पे अपसाइड डाउन उल्टे फॉर्म में होती है। हमारा आँख उसे उल्टे फॉर्म में देखती है और फाइनली हमारा ब्रेन उसे सीधा दिखाती है हमें। और आप ये मत सोचना कि उल्टे इमेज को सीधा करने की कला इस ब्रेन को शुरू से ही रहती है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तब हमारा ब्रेन सब कुछ उल्टा ही दिखाती है हमें। इसलिए आप नोटिस करना कि आप जब किसी नया जन्मे बच्चों को देखकर हंसोगे, तब वो आपको बहुत ही अजीब तरीके से दिखेगी, क्योंकि उस समय उसको सब कुछ ही उल्टा ही दिखती है, आपका चेहरा उसे उल्टा ही दिखती है। नंबर टू, आपने कभी नोटिस किया कि हमें जब ठंड लगती है या ठंडे पानी से नहाने के बाद हमारा शरीर कांपने लगता है, शरीर में एक वाइब्रेशन होती है? दरअसल हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उस समय हमारा शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से कहीं ज़्यादा गिर जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। और ये जब हमारा दिमाग को पता चलता है, तब वो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी को वाइब्रेशन करवाता है, शरीर फिर से कांपने लगता है, और वाइब्रेशन की वजह से बॉडी में फिर से हीट जनरेट होता है और शरीर फिर से अपना नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि जब कोई बच्चा नया जन्म लेता है, तब आप ये नोटिस करना कि वो बच्चा रोते तो है लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता, क्योंकि उस समय हमारा आंसू प्रोडक्शन ग्लैंड यानी लैक्रिमल ग्लैंड पूरी तरह से विकसित नहीं होते। इसलिए वो रोते तो है लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं आते, और वो कम से कम दो हफ्ते बाद आंसू के साथ रोना शुरू करते हैं। नंबर फोर, आपने कभी सोचा है कि हमारा दिल, हमारा हार्ट एक दिन में कितना बार धड़कता है? तो वो एक्चुअली एक दिन में 1,15,200 बार धड़कता है, इतनी बार धड़कता है, और आप कभी इस पे ध्यान भी नहीं देते हो। नंबर फाइव, क्या आपको पता है कि आप अपनी पूरे जीवन काल में करीब 5 साल अंधेरे में बिताती हो? जी हाँ, ये जो अभी आप अपने आँखों के पलक झपकाया या झपकाते हो, तब देखना कुछ देर के लिए, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए पूरा अंधेरा हो जाता है ना? तो आपके पूरे जीवन काल में आप जितने भी बार पलक झपकाओगे और उसी झपकाने के चलते जो अंधेरा हो जाता है, अगर उसे जोड़ दे तो आप पूरे जिंदगी में करीब 5 साल अंधेरे में बिताते हो। नंबर सिक्स, क्या आप जानते हो कि हमारा ये जो दुनिया, ये लड़कियों के लिए ज़्यादा कलरफुल होती है? ये इसलिए क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम होती है ना, लड़कियों वाली क्रोमोसोम, उसमें आँखों का कलर परसेप्शन जानकारी मौजूद है। और जैसे कि लड़का लोगों की सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होती है और लड़कियों में 2 एक्स क्रोमोसोम, और इसीलिए उनके अंदर कलर परसेप्शन की पावर ज़्यादा होती है, और इसलिए उन्हें यह दुनिया ज़्यादा रंगीला दिखती है, लगभग 2 गुना ज़्यादा ब्राइट। नंबर सेवन, ब्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन की अंदर करीब 2.5 TB तक जानकारी भरा जा सकते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये गाना तो 15 MB का, ये मूवी तो 3 GB का। आप इसे देखो, 1000 GB मतलब 1 TB, 1 TB का हार्ड डिस्क तो आपने देखा ही होगा, और 1000 TB मतलब 1 PB, जिसे हम पेटाबाइट कहते हैं। और आपके दिमाग के अंदर करीब 2.5 TB तक जानकारी भरा जा सकते हैं, जो वर्चुअली अनलिमिटेड है, और नॉर्मल इंसान तो 0.5 PB का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। और उसके उल्टा साइंटिस्ट और जीनियसेस नॉलेज भर भर के 2 PB तक इस्तेमाल कर लेते हैं अपने लाइफ टाइम में। नंबर एट, क्या आपको पता है कि जब सुबह सुबह आप नींद से उठती हो, तब आपका हाइट 0.4 इंचेस ज़्यादा होती है, क्योंकि दिन में चलते समय या काम करते समय रीढ़ की हड्डी पर वजन पड़ते हैं, और हमारा शरीर का वजन के चलते वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, और शाम आते आते
आपकी हाइट 0.4 इंचेस कम हो जाता है। और जब आप रात को सोते हो तब तो रीढ़ की हड्डी पर कोई वर्टिकल वेट नहीं पड़ता जैसे कि दिन के समय होती है, और इसीलिए वही रीढ़ की हड्डी वापस खुलने लगता है जिसकी चलते वो वापस लंबे हो जाता है। और इसीलिए आप जब सुबह उठते हो तब आप 0.4 इंचेस ज़्यादा लंबे होते हो। नंबर 9, ये जो हमारा आँख जिसकी मदद से हम देख पाते हैं, अगर इसे किसी मॉडर्न कैमरा से कंपेयर करें तो ये करीब 576 मेगापिक्सल का, जो एक असली कैमरा से कहीं ज़्यादा है। और इसलिए हम रात के समय या दिन में इतने छोटे छोटे चीज़ों को इतने अच्छे से देख पाते हैं। सोचो हम कितने लाकी है कि कुदरत से हमें इतना कुछ मिला है। नंबर 10, अब आप इस इमेज को अच्छे से देखो, ऐसा लगता है कि इन सभी गेंदों की कलर अलग अलग जैसा है ना, लेकिन गलत। आप आँखों से हमेशा जो चीज़ देखते हो वो कभी कभी सही नहीं होता, कई बार हमारा दिमाग भी कॉन्फ्यूज हो जाता है। जैसे कि ये वाला इमेज, अगर मैं इस इमेज का सारे लाइन को हटा दूँ तो ये कुछ इस तरह दिखती है, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। दरअसल इस इमेज का जो ए वाला कलर है ना, इसी के चलते हमारा दिमाग कॉन्फ्यूज हो जाता है, सही कलर पहचान नहीं पाते, और इस तरह का चीज़ों को कहते हैं ऑप्टिकल हेल्यूजन।